गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जीपीसी डूंगरपुर। vb.net के लास्ट वीडियो में हमने देखा था vb.net का इंट्रोडक्शन, vb.net के बारे में बेसिक्स पढ़ा हमने, एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखा। अब नेक्स्ट जो ये वीडियो है आज का, इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन का आगे का पार्ट, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में स्टेट्स और बिहेवियर होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो, एक तो क्लास होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। क्लास, क्लास क्या होता है? क्लास एक टेम्पलेट होता है या ब्लूप्रिंट जो बिहेवियर्स या स्टेट्स का वर्णन करता है। क्लास है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये वर्चुअल होती है, जबकि ऑब्जेक्ट है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट का उदाहरण हम देखते हैं कि कुत्ता, कुत्ता में कुत्ते के स्टेट्स हैं, जैसे उसका रंग होता है, उसका नाम होता है कुत्ते का, हमारे घर पर कुत्ता होता है उसका, उसकी नस्ल होती है, कुत्ते का व्यवहार होता है, वो भौंकता है, खाना किस तरह का खाता है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास का एक उदाहरण है। क्लास और ऑब्जेक्ट को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्लास है तो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग क्या है? एक क्लास है। अब ह्यूमन बीइंग को हम टच कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ये वर्चुअल है। लेकिन ह्यूमन बीइंग है, उसकी बिहेवियर कैसा होता है? दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आंखें होती है, नाक होता है, कान होते हैं दो, तो ये बिहेवियर है इसके, क्लास के। लेकिन ह्यूमन बीइंग में अब किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेते हैं जिसका नाम है राम, तो राम को हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। तो राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ह्यूमन बीइंग क्या है? क्लास है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल हम समझ सकते हैं, दूसरा एग्जांपल व्हीकल। अब व्हीकल है, व्हीकल में जैसे हमने ले लिया टू व्हीलर, तो टू व्हीलर का हमें पता है कि उसमें दो व्हीकल होते हैं, दो टायर होते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसमें इंजन होता है या बैटरी ऑपरेटेड होता है। लेकिन अब पर्टिकुलर कोई टू व्हीलर लिया, जैसे साइकिल ली, किसी कंपनी की साइकिल है वो ली, तो उस साइकिल को हम देख सकते हैं, उस साइकिल को हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर साइकिल है वो ऑब्जेक्ट हो गया और व्हीकल हो गया, टू व्हीलर हो गया, वो एक क्लास हो गया। अब जैसे हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर, तो कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर है वो क्या है? एक क्लास है। अब कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर को आपने कभी देखा है? नहीं देख सकते। क्या कभी आपने टच किया है उसको? क्या उसका रंग रूप है? तो वो एक वर्चुअल चीज़ है। अब कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर है, उसका पता है कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? कौन कौन से उनको प्रैक्टिकल्स करने हैं, लैब कौन सी है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है। अब कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर का पर्टिकुलर कोई बच्चा है, राम है, सुरेश है, श्याम है, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट्स है उस क्लास की। मेथड्स, मेथड बोल सकते हैं उसको, फंक्शन बोल सकते हैं, रूटीन बोल सकते हैं। ये मूल रूप से क्या होता है? एक व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है। एक क्लास के अंदर कई सारे मेथड हो सकते हैं। मेथड्स में क्या रहता है? लॉजिक्स लिखे रहते हैं, डेटा का उपयोग किया जाता है और
कई तरह के कार्य उसमें निष्पादित किए जाते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स, प्रत्येक ऑब्जेक्ट में इंस्टेंस वेरिएबल्स का यूनिक सेट होता है। किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को असाइंड वैल्यूज द्वारा बनाई जाती है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। एक रेक्टेंगल क्लास है vb.net के अंदर, तो रेक्टेंगल क्लास होती है उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, बिहेवियर हो गया, स्टेट्स हो गई। अब रेक्टेंगल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे vb.net के अंदर, तो कोड कैसा लिखेंगे हम? इम्पोर्ट्स सिस्टम पब्लिक क्लास रेक्टेंगल। यहाँ पब्लिक क्या है? पब्लिक है एक्सेस स्पेसिफायर, कि उस क्लास को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। क्लास, क्लास ही कीवर्ड है, क्लास लिखना है, क्लास हम बना रहे हैं। और ये रेक्टेंगल, क्लास का नाम क्या होगा? रेक्टेंगल बना रहे हैं तो रेक्टेंगल नाम हो गया। फिर इसमें अभी हमने इंस्टेंस वेरिएबल की बात की, तो दो इंस्टेंस वेरिएबल हमने बनाए हैं यहां पर, लेंथ और विड्थ। लेंथ और विड्थ है दोनों को एक्सेस स्पेसिफायर हमने क्या लिखा है इनका? प्राइवेट। और किस टाइप के हैं? डबल। तो ये सिंटेक्स है vb.net में, प्राइवेट लेंथ एज डबल, प्राइवेट विड्थ एज डबल। दो हमने इंस्टेंस वेरिएबल बनाए। अब नेक्स्ट लाइन है पब्लिक मेथड। पब्लिक मेथड है सिंगल कोट, ये क्या है? कमेंट है, इसको कंपाइलर इग्नोर करेगा, ये प्रोग्रामर के समझने के लिए। नीचे हमने मेथड बनाया पब्लिक सब एक्सेप्ट डिटेल, दोनों वेरिएबल है हमारे पास लेंथ और विड्थ, उनमें हमने वैल्यू डाल दी 4.5 और 3.5। ये सब है वो हमारा एंड सब हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नाम है गेट एरिया एज डबल, रिटर्न है उसका, रिटर्न टाइप है वो डबल है। गेट एरिया का फॉर्मूला लगाया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ, तो ये गेट एरिया एरिया रिटर्न कर देगा, एंड फंक्शन हो गया। फिर एक सब रूटीन है पब्लिक सब डिस्प्ले। डिस्प्ले में पहले हम डिस्प्ले कराएंगे लेंथ, लेंथ वेरिएबल, फिर कराएंगे विड्थ और फिर एरिया। डिस्प्ले कराने का तरीका है कॉन्सोल डॉट राइट लाइन एंड सब। फिर हमारा मेन फंक्शन, अब मेन फंक्शन तो जरूरी है हर एक क्लास के अंदर। मेन फंक्शन बनाते हैं सेड सब मेन। अब ये सेड क्यों बनाते हैं? अब मेन को हमने सेड क्यों बनाया है? मेन को यहां पर सेड इसलिए बनाया है क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से, और मेन फंक्शन है वो हमारा क्लास के अंदर है। क्लास के अंदर है तो वो क्लास का मेंबर फंक्शन हो गया। अब क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट डिम आर एज न्यू रेक्टेंगल, ये ऑब्जेक्ट हम किस में बना रहे हैं? क्लास के अंदर ही। तो ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन के अंदर बन रहा है, और मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो ये बिल्कुल वैसे हो गया कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेन फंक्शन को सेड बनाना पड़ेगा। सेड से क्या होगा कि मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग सॉल्यूशन है। यहाँ vb.net में हम इसको सेड बनाते हैं, जावा के अंदर इसको स्टैटिक बनाते हैं, स्टैटिक बनाते हैं जावा में। C++ के अंदर हमने मेन फंक्शन को क्लास के बाहर ही रख दिया है, तो वैसे उसकी जरूरत नहीं है।
और इसीलिए हमने सी प्लस प्लस को क्या बोला है, सी प्लस प्लस प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है डिम आर एज न्यू रेक्टेंगल। आर ऑब्जेक्ट बनाया है, उसकी हेल्प से हम फंक्शंस को कॉल करेंगे। एक्सेप्ट डिटेल, ये डिटेल्स को एक्सेप्ट करेगा, यूजर से लेंथ और विड्थ की वैल्यूज लेगा। आर डॉट डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले कराने का काम। कॉन्सोल डॉट रीड लाइन, ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक कि हम कोई की प्रेस नहीं कर देते। जब इस कोड को हम कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ इस तरह का आउटपुट आता है, लेंथ विड्थ और एरिया। लेंथ और विड्थ यूजर इनपुट देगा तो एरिया कैलकुलेट करके आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर हम जो क्लास का उपयोग कर रहे हैं उसमें कोड और डेटा दोनों शामिल है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लासेस का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए से कोड में आर है वो रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने देखा जो सिंटेक्स लिखा है डिम आर एज न्यू रेक्टेंगल। क्लास में ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं जिन्हें बाहरी क्लास से एक्सेस किया जा सकता है यदि स्पेसिफाइड हो। डेटा मेंबर्स को फील्ड कहा जाता है और प्रोसीजर मेंबर्स को मेथड कहा जाता है। मेथड्स को क्लास ऑब्जेक्ट के माध्यम से कॉल किया जाता है। शेयर्ड मेथड या स्टेटिक मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल किया जा सकता है, जैसे हमने मेन को शेयर्ड बना दिया। यहाँ पर अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं इसके अंदर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है पहचान करता। अब आइडेंटिफायर जो भी हम नाम देते हैं क्लास को, वेरिएबल को या फंक्शन को, तो उसको जो यूजर नाम देगा, प्रोग्राम नाम देगा, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, और उसके नाम से अपन उसको पहचानेंगे। जैसे अभी क्लास बनाई हमने रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या हो गया, एक आइडेंटिफायर हो गया, एक क्लास का नाम हो गया। और आर बनाया हमने ऑब्जेक्ट, तो आर भी क्या हो गया, एक आइडेंटिफायर हो गया। अब सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ नियम है। जैसे VB.NET में क्लास के नाम के लिए है कि इसका नाम है वो एक लेटर के साथ शुरू होना चाहिए और उसके बाद अक्षरों की जो सीक्वेंस है उसमें डिजिट्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकता है, लेकिन आइडेंटिफायर का पहला अक्षर है वो कभी भी एक डिजिट नहीं हो सकता, या तो लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। इसमें कोई भी स्पेस नहीं आएगा और सिंबल नहीं आएगा, जैसे ये सिंबल दे रखे हैं, सिंबल के नाम पर सिर्फ अंडरस्कोर आएगा। डेटा टाइप्स VB.NET के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इसके।